हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश्वर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी और नई खबर लेकर आया हूं, जिसका दोस्तों आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। और ये खबर रिलेटेड है HSSC ग्रुप डी वेटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, जिन्होंने अब तक जो नव चयनित थे, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, उनको सरकार ने आखिरी मौका दिया है। और दोस्तों, ये आखिरी मौका सिर्फ 2 सप्ताह के लिए है। जिन्होंने ज्वाइन करना है, सिर्फ 2 सप्ताह में वो ज्वाइन कर लेंगे। और यदि उन्होंने ऐसा ज्वाइन नहीं किया तो जो ग्रुप डी वेटिंग है उसके लिए एक ज़बरदस्त खबर है। लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, पढ़ के ही मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये हरियाणा में 1 साल से ज्वाइन नहीं कर रहे ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने आखिरी मौका दिया है। 15 दिन में कार्यभार नहीं संभालने पर प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग बाई में शामिल युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। और आगे मैं इसमें थोड़ा बताता हूँ आपको, मुख्य सचिव जो अपने केशनी आनंद अरोड़ा है, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्त और जितने भी आयुक्त हैं भाई, उनसे नव चयनित चतुर्थ कर्मचारी की सूची मांगी है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों, अब आपके लिए मेन चीज़ शुरू होती है। अगर 2 सप्ताह में ये कर्मचारी ज्वाइन नहीं करते तो कर्मचारी चयन आयोग को प्रतीक्षा सूची में शामिल दूसरे युवाओं को नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाए। तो दोस्तों, ये क्या आपके लिए एक बड़ी खबर है। और ये कह सकते हैं कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, किसी भी समय आपको सरकार बुला सकती है। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि डी ग्रुप में काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही आपके लिए खबर थी और मैं कोशिश करता हूँ सारी खबरें आपको पहले पहुँचाऊँ। थैंक यू।